दोस्तों आजकल स्मार्टफोन्स में सबसे बड़ा ट्रेंड रह रहा है बेजललेस डिजाइन का। हर कंपनी ये कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो सैमसंग हो, एप्पल हो, शाओमी हो, हर ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बेजललेस डिजाइन वाला फोन ला के दे। लेकिन आज तक हमने कोई ऐसा फोन देखा ही नहीं है जिसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो टोटली 100% हो। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या हम फ्यूचर में ऐसे फोन देख पाएंगे और आखिर बेजल का फ्यूचर क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनिल, आप देख रहे टेक एमएस। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर बेजल्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। दोस्तों बेजल्स अगर हमें हटाने हैं तो हमें सबसे पहले तो स्क्रीन के आसपास की जो भी चीजें होती है उनको हटाना पड़ेगा, और ऐसे में जो साइड की चीजें हैं वहां पे तो कुछ होता ही नहीं है, तो उधर तो हम आसानी से बेजल्स को हटा सकते हैं। और सैमसंग पिछले कुछ सालों से करता भी आ रहा है कर्व डिस्प्ले लाकर, तो मतलब वो तो बहुत आसान है, वो तो हमने कर भी लिया है। लेकिन जो मेन चीज होती है वो है ऊपर और नीचे के बेजल्स में। और सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर के बेजल्स की तरफ। तो अगर हम बात करें ऊपर की तरफ तो यहाँ पे चार चीजें होती है मेन, मतलब एक आपका कैमरा है, एक है आपका ईयरपीस, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक एम्बिडेंट लाइट सेंसर। हाँ, एप्पल के और सैमसंग के फोन्स में आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे सैमसंग के फोन्स फ्लैगशिप फोन्स में आपको आयरिस स्कैनर दिख जाता है, फिर एप्पल के फ्लैगशिप फोन्स में फ्लैगशिप भी बना था एप्पल तो उसमें आपको अभी जो आईफोन 10 में आपको फेस आईडी मिल गई, तो मतलब वहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें। लेकिन ये जो चार चीज़ें हैं वो सबसे कॉमन है, तो और उन्हें कैसे हटेंगे हम? जो एम्बिडेंट लाइन सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो तो हम हटा सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन और ईयरपीस के लिए भी अभी आपको शाओमी के मीमिक्स फोन में पता होगा, उसमें आपको एक वाइब्रेशंस की टेक्नोलॉजी थी, तो मतलब वहाँ पे ईयरपीस हटा दिया और वाइब्रेशंस के थ्रू आप जैसे ही कान के पास फोन रखते हैं तो आपका फोन वाइब्रेट होगा और उसके थ्रू आपको जो आवाज़ है वो सुनाई देगी। तो मतलब ईयरपीस भी हम हटा सकते हैं, वो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो मेन चीज़ है जो हमारे और बेजल्स के बीच में रुकावट लाती है वो है कैमरा, और बाकी सब चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया हम हटा सकते हैं। लेकिन कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो हम जल्दी से नहीं हटा पाते, अभी हमारे पास उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। हाँ, अभी जो वीवो का एपेक्स फोन था, कॉन्सेप्ट फोन था, वो उसमें वो जो कैमरा है वो ऊपर से निकलता है, तो मतलब वो एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और काफ़ी अच्छा आइडिया है, और लेकिन वो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट फोन था, अब तक मार्केट में आया नहीं है। तो अगर एप्पल या सैमसंग या चलो वीवो भी अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हमें फ़ोन में डाल के दिखाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास वो भी टेक्नोलॉजी है, हम उसे भी हटा सकते हैं। और अगर एक बार वो हो गया तो फिर हम ऊपर से भी बेजल्स को हटा देंगे, मतलब अभी तीन साइड तो हो गई, अब बची है सिर्फ नीचे की साइड। और अब आपको लगेगा नीचे की साइड क्या है, उसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ वहाँ पे आपका एक नेविगेशन बटन है और फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब नेविगेशन बटन हम ऑन स्क्रीन डाल सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर हम फ़ोन के पीछे की तरफ या अंडर डिस्प्ले भी डाल सकते हैं, जैसे अभी वीवो के एपेक्स फ़ोन में आया था, कंसेप्ट फ़ोन था वो, हाँ उसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिला था। और ऐसे ही क्वालकॉम के पास भी एक उसके टेक्नोलॉजी है, तो मतलब वो भी पॉसिबल है। तो अब आपको लगेगा कि ठीक है चलो हमने चारों तरफ से सब कुछ हटा दिया तो अब तो हमें बेजललेस डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो हमें दिखती नहीं है, फ़ोन के अंदर होती है, वो है जो हमारा स्क्रीन होता है, वो हमारे मदरबोर्ड से कनेक्शन करने के लिए हम रिबन केबल्स का यूज़ करते हैं जो हमारे फ़ोन के पूरा घूम के नीचे की तरफ जाती है मदरबोर्ड की तरफ, और इसके लिए उसे थोड़ी जगह भी चाहिए होगी। तो आपने देखा होगा चाहे फिर वो सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी हो या कोई और कंपनी भी हो जिसने बाकी तीन साइड से टोटली बेजललेस कर दिया है, जैसे शाओमी का मीमिक्स है वगैरह, जो भी कंपनी है उन सब में आपको तीन तरफ से तो बेजललेस मिल जाएगा डिजाइन, लेकिन जो नीचे की तरफ वो रिबन के लिए उसको थोड़ी सी जगह रखनी पड़ती है। तो अब आप कहोगे कि आपको आईफोन 10 में तो नीचे की तरफ कोई बेजल नहीं मिलती, तो वहाँ पे एप्पल ने क्या किया है? तो सर एप्पल ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वहाँ पे उसने जैसे मैंने कहा जो रिबन वायर है उनको पूरा घूम के नीचे जाना पड़ता है, तो एप्पल ने वो जो पूरी स्क्रीन है उसको ही नीचे जाने दिया, तो मतलब वहाँ पे जो वायर्स को जगह नहीं चाहिए क्योंकि स्क्रीन ही नीचे की तरफ जा रही है, तो मतलब इसीलिए आपको उसमें नीचे की तरफ बेजल्स देखने को नहीं मिलते हैं। और लेकिन वहाँ पे आईफोन 10 में आपको नॉच भी देखने को मिलती है, और नॉच एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनल प्रेफरेंस पे आती है, किसी को अच्छी लगेगी किसी को अच्छी नहीं लगेगी, और ये आप कह सकते हो एक स्टेप अहेड है बेजललेस डिज़ाइन से, क्योंकि उसमें आपको साइड में भी थोड़ा और स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो रेशियो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है, तो मतलब ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आता है, किसी किसी को अच्छी लगेगी किसी को अच्छी नहीं लगेगी, तो मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको सैमसंग जैसे डिज़ाइन चाहिए जिसमें वो हर साल सैमसंग कोशिश करे कि ऊपर और नीचे की तरफ हो सके उतना कम से कम बेजल रखे, या फिर आपको आईफोन 10 जैसी डिज़ाइन चाहिए जिसमें एक छोटी सी नॉच और बाकी सब साइड से टोटली बेजललेस हो। तो बस यही था ये आज के वीडियो के लिए, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अब तक हमें बेजललेस डिज़ाइन क्यों नहीं मिला है और हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अभी के भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी के भी कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी ऐसी टेक वीडियोज़ आने वाली है। दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।